मार मार मार। ये देखो गाइस कितने सारे मच्छर घुसाए आज हमारे घर में, और ये नानी की देन है रैकेट, तो ये बहुत ही काम आ रहा है गाइस। तो थैंक यू नानी, मेरी तो मम्मी है बच्चों की नानी। अरे चिप क्यों है ये? मार 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 उधर ही पे हैं अभी मच्छर क्या गाइस, हद कर दी, इतने सारे मच्छर घुसाए हमारे घर में। सदगुद्दी क्या है सदगुद्दी? और गाइस प्लीज हमारी जो ये दीवारें हैं वेरी सून पेंट होने वाली हैं, सो गाइस बहुत जल्दी घर जो है अच्छे से पेंट होने वाला है। तो काम तो बढ़ेगा पर घर साफ हो जाएगा गाइस, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है ये वीडियोस में ना दीवारें बड़ी गंदी दिखती हैं। गाइस रात के बज गए हैं 10 और हमारे घर में घुसाए मच्छर बहुत सारे। ए हट, तो गाइज मच्छर मारे जा रहे हैं और मुझे इस रैकेट से डर लगता है इसलिए मैं दूर हट गई हूँ गाइज, इतनी जोर से चिंगारी होती है ना। वो रहा है वो ऊपर गाइज। एक्चुअली क्या है ना कि जाली वाले दरवाजे में खोल, मतलब जाली वाला लगा देते हो, अंदर वाला खोल देते तो जाली से घुस जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइज आज का व्लॉग होने वाला है बहुत अच्छा, और आज का व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी अलमीरा ठीक करने से। तो देख लीजिए गाइस कैसे फैली पड़ी है, तो सारे कपड़े निकाल के दोबारा से सेट कर रही हूँ क्योंकि ये बच्चे जो है ना ख़राब कर देते हैं और मैं भी कर देती हूँ ख़राब। सो गाइस अलमारी वगैरह सेट करेंगे। कल किया था किचन साफ, मंदिर साफ, क्योंकि नवरात्रि की बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है, माँ आने वाली हैं घर में, तो गाइस सामान भी बहुत सारा लेके आना था, बट आज तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तो देखते हैं कल जाते हैं सामान लेके आते हैं। तो गाइज़ आज का व्लॉग आप देखते रहिएगा, पसंद कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा गाइज। सो गाइज़ जो मीठे वाले राइस हैं वो कंप्लीटेड हो गए हैं, और आज मैंने नोस्पिन चेंज करी है, तो छोटे से अब मैंने बड़ी डाल ली है। तो गाइज़ लाइक कभी मैं छोटी नोस्पिन डाल लेती हूँ, कभी बड़ी नोस्पिन डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है नोस्पिन का। सो गाइज़ ये गुड़ वाले चावल मैंने छोंक दिए हैं, गुड़ चावल और क्लोव्स यानी कि लौंग और इलायची से और सूखे गोले से। सो गाइज़ अब मैं इसे बंद करने जा रही हूँ पकाने, और गाइज़ लिटरली ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और देसी घी से ही इसको बनाएं, रिफाइंड से बना सकते हैं बट देसी घी का स्वाद अलग ही लगता है। तो गाइज़ मेरी मम्मी जो है ये बहुत बनाती हैं सर्दियों में, तो वही मैं आज बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए, तो दिखाती हूँ फिर आप। सो गाइज़ अब मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ वाले राइस ठाकुर जी के लिए, भोग प्रसाद के लिए, या मीठे चावल गुड़ वाले जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, और घी में अब मैं इलायची लौंग डालूँगी। ये डालने के बाद फिर मैं डालूँगी गोला, गोला डालने के बाद मैं चावल डाल दूँगी। चावल में ज़रा सी एक सीटी लगा के बिल्कुल हल्का पानी करके फिर मैं ये वाले पानी से पकाऊँगी चावल। और यहाँ मैंने थोड़ा सा गाइज़ मलाई इकट्ठी हो रही थी तो घी निकाल लिया है। सो गाइज़ बनाते हैं फटाफट से ठाकुर जी का भोग। ये देख लीजिए मीठे चावल बन के तैयार हो गए हैं, मीठे चावल बन के तैयार हो गए हैं ठाकुर जी का भोग। तो चलते हैं गाइस ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और गाइस इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है ना इसकी, इलायची लौंग और गोले की। और गाइस ये चावल ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखते हैं, तो पहले हम ठंडा कर लेते हैं क्योंकि ठाकुर जी को गर्म भोग नहीं लगाते हैं, फिर हम खाएँगे। सो गाइस बस अब हो गया है डन काम, ऑलमोस्ट सारा काम डन हो गया है, बस ठाकुर जी को भोग लगने जा रहा है। ठाकुर जी के लिए बनी है अमृतसरी बढ़िया दे विच, क्या बोलते हैं, साथ में आलू, मैं तो भूल भी गई पंजाबी। सो गाइज ये आज सब्जी ठाकुर जी के लिए बनी है बढ़िया आलू की सब्जी, तो मैंने ठंडी होने के लिए रखी है, मैंने कहा उसके बाद भोग लगाऊंगी। और गाइज बिना लहसुन प्याज के खाना भी ऑसम होता है सीरियस। सो गाइज मुझे ऑलमोस्ट आज 5 महीने हो गए हैं बिना लहसुन प्याज का खाना खाते खाते, तो मुझे तो सेटिस्फेक्शन है। हाँ समटाइम प्रॉब्लम तब होती है जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं आउटिंग पर, या कहीं पर भी, खैर वृंदावन वगैरह जो विजिटेशन प्लेसेस होते हैं वहाँ तो हमें मिल जाता है बिना लहसुन प्याज का, बट अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम बिना लहसुन प्याज का कुछ नहीं मिलता तो। लाइक आज बच्चों ने बाहर से चाउमीन वगैरह खाया मंगा के, तो मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी खाऊँ, तो मेरा सोयाबीन की चाँप खाने का मन कर रहा था, जो तंदूरी चाँप होती है ना सोयाबीन की, तो मैंने पूछा मन का बिना लहसुन प्याज का कुछ है क्या तंदूरी चाँप में, तो उन्होंने कहा नहीं सोयाबीन की चाप में वो जो चटनीज़ वगैरह ऐड करते हैं उसमें होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने कहा हम अपनी आलू बढ़िया खाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मज़ा आता है गाइस बिना लहसुन प्याज का खाने सीरियसली। गाइस 5 महीने से अगर लहसुन की मुझे थोड़ी सी महक भी आ जाती है ना, वैसे तो बन नहीं रहा, तो मुझे बड़ा अजीब सा हो जाता है कि है
अपने आप ठाकुर जी की भक्ति में पढ़ो तो सही, तो नॉन वेज तो दूर की बात है, लहसुन प्याज से भी आपको बदबू आना शुरू हो जाएगी। सीरियस कह रही हूँ गाइस मैं। कल इतने दिनों बाद दाल चावल बनाए थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे एक प्याज काट के दे दे कच्ची, काफ़ी टाइम बाद बोला इन्होंने, ये भी नहीं खा रहे थे। बट इनका ये है गाइस कि ऑफिस गोइंग है तो सम टाइम ये होता है कि बाहर खाना पड़ जाता है, खाना पीना किसी के साथ है, ऑफिस के साथ कई बार डिनर होता है इनका मंथ एंड में, तो वहाँ पे फिर इन्हें दिक्कत हो जाती है, फिर स्किप करते हैं। वैसे गाइस अगर हम मेडिकली देखें तो लहसुन प्याज खाना, देखो आयुर्वेद में औषधि गुण बताए गए हैं इसमें कि औषधीय गुण है इसमें, बट हमारे ठाकुर जी की भक्ति जो हम करते हैं उसमें थोड़ा सा गाइस मना है इन सब चीज़ों का, इसलिए थोड़ा सा मैं परहेज कर रही हूँ। बाकी ये नहीं है कि मैं एकदम ऐसे, ये है कि ऐसा होना चाहिए गाइस। एक्चुअली मुझे एक वीडियो मैंने देखी थी, उन्होंने बोला था कि अगर आप बाय दी गुरु कंठी धारण करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का परहेज करना पड़ता है, बाय गुरु कंठी धारण नहीं करते तो आप खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं नहीं ये दिखा रही हूँ। और दूसरी बात, अब कार्तिक मास आ रहा है तो कार्तिक मास में तो गाइस बिल्कुल भी नहीं छुएंगे हम, नवरात्रीज आ रही हैं, कड़वे दिनों में भी नहीं छूना, तो वो अपने आप ही परहेज होता चला जाता है गाइस। तो गाइस बस मैं चलती हूँ, आज आपके लिए एक बढ़िया सी स्टोरी लेके आती हूँ, तो स्टोरी सुनिए और बढ़िया से मेरा ब्लॉग इन्जॉय कीजिए। सो गाइस मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाऊंगी, तो मैं आपको एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है गाइस कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ठाकुर जी के, हमारे राधा रानी के डिवोटी हैं, भक्त हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि हमेशा श्री कृष्ण से पहले राधा रानी का नाम क्यों लिया जाता है। आखिर क्यों पसंद है ठाकुर जी को राधा रानी का नाम इतना, क्यों राधा 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 का वो बोलते हैं जाप करो, कृष्ण कृष्ण का जाप करना नहीं बोलते हैं वो। ठाकुर जी कहते हैं अगर आप कृष्ण कृष्ण का जाप करते हो तो वो आपके लिए मतलब ऐसे व्यर्थ है, अगर आप मुझे खुश करना चाहते हो तो अगर आप कृष्ण कृष्ण का जाप करोगे तो मैं खुश नहीं होऊंगा, राधा 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 का जाप करोगे तो मैं खुश होऊंगा। तो गाइस इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि मैंने भी एक जगह पढ़ी थी, तो मैंने कहा कि मैं भी आपको सुना देती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता होगा तो मेरे ब्लॉग के माध्यम से उन लोगों को पता चल जाएगा। गाइस एक बार क्या होता है, बरसाना में जहाँ राधा रानी जी का जन्म हुआ, जहाँ की हमारी लाडली जू हैं, तो वहाँ पर व्यास, जो व्यास जी थे उनके बेटे वासुकी, वासुकी जी थे जो, वो तोता बन गए राधा रानी की भक्ति के लिए, और तोता बन के राधा रानी की भक्ति के लिए चले गए उनके महल में तोता बन के, और डेली यही गाना गाते वो, कृष्ण 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 कृष्ण। तो राधा रानी ने कहा कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर राधा रानी ने कहा कि तुम कृष्ण कृष्ण क्यों बोलते हो, तो उन्होंने बोला कि आपको कृष्ण बहुत ही प्रिय है, इसीलिए मैं कृष्ण कृष्ण का जाप करता हूँ कि मैं कृष्ण का जाप करूँगा तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, और वैसे भी राधा और कृष्ण जी हैं जो वो एक समान हैं, उनको अलग नहीं माना गया है गाइस, दोनों को सेम माना गया है। भले ही जो श्री कृष्ण की जो पत्नी है उनका नाम ना लेके राधा जी का नाम लिया जाता है कृष्ण के साथ, क्योंकि राधा जी हैं उनकी प्रेमिका हैं और अपनी प्रेमिका को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसी वजह से राधा कृष्ण जो हैं प्रेम का प्रतीक माना गया है, सिंबल ऑफ लव माना गया है इन दोनों को। तो गाइस वो कृष्ण कृष्ण का जाप करते हैं तो राधा रानी बहुत खुश होती है, क्योंकि राधा रानी बहुत प्यार करती हैं कृष्ण जी से, तो वो बोलती है फिर उनके महल में कोई और आता है, वो राधे राधे करता है, तो वो कहती हैं राधा रानी कि नहीं कृष्ण कृष्ण करो, राधा राधा नहीं, तो वो भी कृष्ण कृष्ण करने लग जाते हैं। ऐसी जो भी उनके महल में आता है वो राधा 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 करता है, वो कहती है नहीं कृष्ण 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 करो, तो गाइस पूरा जो बरसाना होता है कृष्णमय हो जाता है, राधा रानी ना का नाम ना लेके वो कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण करने लग जाते हैं। तो गाइस धीरे धीरे राधा रानी का नाम सब भूल के कृष्ण कृष्ण करने लग जाते हैं। तो ये बात हमारे ठाकुर जी को पता चल जाती है कि पूरा बरसाना जो है कृष्णमय हो गया है, राधा रानी का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं सब लोग। तो ठाकुर जी के बड़ा बुरा लगता है, कहते क्यों
राधा रानी मेरे जो प्रिय है वो मेरी श्यामा प्यारी राधा रानी जो है, पहले उनका नाम ही मेरी भक्ति से पहले आएगा, क्योंकि वो मुझे सर्वप्रिय है, सर्वप्रिय है इसीलिए। तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तो नारद मुनि जी आते हैं तो कहते हैं आप क्यों नाराज़ हो, कृष्ण जी क्यों नाराज़ हो? तो वो बोलते हैं मैंने सुना है कि पूरा बरसाना कृष्ण कृष्ण कर रहा है, जबकि राधा और कृष्ण एक हैं, लेकिन पहले राधा रानी का नाम लेने से मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई राधे राधे करे, कृष्ण कृष्ण नहीं। अगर कोई कृष्ण कृष्ण करके मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करेगा तो वो व्यर्थ है, वो रेत में मछलियाँ पकड़ने के समान है। मतलब रेत में बैठ के आप मछलियाँ पकड़ोगे तो थोड़ी आपको मछली मिल जाएगी, पानी में बैठ के पकड़ोगे तब मिलेगी ना। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि वो बोलते हैं ये व्यर्थ है, अगर कृष्ण कृष्ण कोई करता है तो उसे मैं नहीं मिलूँगा, राधे राधे जो करता है उसे मैं मिलूँगा, जहाँ राधे 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 की पुकार आएगी मैं वहीं खड़ा मिलूँगा। तो गाइज ऐसे करके वो बरसाना चले जाते हैं कृष्ण जी, तो बरसाना जाते हैं तो वो राधा रानी से कहते हैं कि तुमने सबको कृष्ण कृष्ण का जाप क्यों सिखा दिया है? तो राधा रानी कहती है तुम मुझे बहुत प्रिय हो इसीलिए। तो ठाकुर जी कहते हैं लेकिन तुम मुझे उनसे उससे भी ज़्यादा प्रिय हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले सब राधे राधे करें, जो भी इंसान जीवन में राधा राधा करेगा मैं उसे वहीं खड़ा मिलूँगा, कृष्ण कृष्ण करेगा तो मैं नहीं मिलूँगा, राधा राधा करेगा तो मैं मिलूँगा। तो ये सुन के राधा रानी रोने लग जाती हैं, मतलब बहुत उनको अच्छा लगता है कि ये मेरे लिए ऐसे बोल रहे हैं। फिर उस दिन से राधा रानी कहती हैं कि ठीक है सब राधा राधा करो, जिसे भी कृष्ण को हासिल करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, राधा रानी करो, शायद राधा नाम ही एक मार्ग है जो हम कृष्ण को पा सकते हैं। सो गाइज ये स्टोरी है कि राधा रानी का नाम कृष्ण जी से पहले क्यों लिया जाता है, उनकी वाइफ का नाम क्यों नहीं लिया जाता है ना। तो राधा रानी जो है गाइस उनकी प्रेमिका हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, वो अभी भी एक हैं, वो अलग नहीं है। तो अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं राधा रानी नहीं है तो डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, राधा रानी एक ही हैं, ठाकुर जी एक ही हैं। जैसे शिव और शक्ति एक ही है, अलग अलग नहीं है, ऐसे ही राधा कृष्ण एक ही हैं, लेकिन वो हमारे भाव हैं कि हम लाना चाहते हैं अलग अलग उसमें स्वरूप में तो हम लाते हैं। जैसे मैंने जो है मेरे पास आए हैं, मैं नहीं लाई गई, मेरे पास आए हैं वो, जो जो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है सब खुद उनके पास आए हैं वो, हम होते ही नहीं, हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम किसी भी जो भगवान जी हैं या देवता हैं उनको लेके आए, वो स्वयं अपने भक्तों के पास जाते हैं जिसके पास भी उन्हें जाना होता है। सो गाइस यही कथा है कि कृष्ण से पहले आखिर राधा रानी का नाम क्यों लिया जाता है। तो गाइस हमारी जो स्वामी जी है, हमारी राज राजेश्वरी, हमारी राधे रानी है, बहुत ही करुणामयी है, आप जितना हो सके राधा रानी का नाम लीजिए तो स्वयं कृष्ण खुद ब खुद आपके पास चले आएंगे, है ना गाइस। तो गाइस अब इस कहानी से मेरा मन कर रहा है कि मैं बरसाना चली जाऊं, तो जल्दी जल्दी प्रेयर करिए कि राधा रानी मुझे बरसाने बुलाए, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। जैसे कहते हैं ना आई एम क्रैविंग फॉर ईटिंग दिस, वैसे आई एम क्रैविंग फॉर गोइंग वृंदावन, आई एम लॉन्गिंग फॉर, सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए हैं वृंदावन और राधा रानी के दर्शन नहीं मैंने करे। खैर वो तो साक्षात घर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो हमारा पूज्य परम धाम स्थान है, वहाँ के तो दर्शन करने हमें बहुत ज़रूरी है। सो गाइस देखते हैं, शायद कार्तिक मास में उनका बुलावा आएगा। अब कार्तिक मास जो हमारे ठाकुर जी का मास आने वाला है, महीना आने वाला है, तो उसमें दर्शन करना बहुत ही बहुत बढ़िया होता है गाइस। तो आप लोग भी जा सकते हैं वृंदावन, तुलसी जी की माला ठाकुर जी को पहना के आइए वृंदावन में, सभी मनोकामना पूर्ण होंगी, ऐसा मैंने भी सुना है, मैंने किया है, तो आप लोग भी कर सकते हैं गाइस। एक्चुअली गाइस एक स्टोरी सुनाऊं, जब मैं अपने सास ससुर के साथ रहा करती थी ना, तब मेरा बड़ा मन था कि मेरा पर्सनल अपना घर हो, वो भी मेरा अपना ही घर है। लेकिन एक होता है ना, हमने जीवन में क्या किया, सास ससुर के पैसों पे तो हर कोई ऐश करता है, सास ससुर की संपत्ति पे तो हर कोई ऐश करता है, लेकिन मुझे अपना ओवन चाहिए था कुछ के, मैंने अपने बलबूते पे क्या किया, मेरे हस्बैंड ने अपने स्टैंड खड़े हुए अपने पैरों पे खड़े होकर उन्होंने क्या किया। तो गाइस वहाँ मैं सोचा करती थी कि कब मेरा अपना पर्सनल घर होगा, और लिटरली गाइस वहाँ पे एक ही कमरा था,
तो उसी कमरे में मैंने मंदिर बनाया था साइड में, उसी में हम लोग रहते थे, और एक बाहर बरामदा था उसमें मैंने किचन बनाई हुई थी और लेटरिन बाथरूम था, ऐसे था, एक ही रूम था गाइस, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। तो गाइस तब मेरा दिल हुआ करता था कि ठाकुर जी कब मेरा अपना घर होगा, कब अलग से कमरा होगा कि मैं आपको लेके आऊँगी, मैं आपकी भक्ति सेवा करूँगी, क्योंकि एक कमरे में मैं जहाँ हम सोते हैं, जहाँ हम खाते हैं, वहाँ मैं आपको नहीं रख सकती। कमरे में मंदिर बनाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि पूजा तो मुझे करनी थी गाइस, है ना। 8-9 साल में साथ में थी सास ससुर के, तो नीचे पूजा करते थे, फिर मैं अपने रूम में अपने फ्लोर में सेपरेट हो गई थी, तो मैंने मंदिर में जो है कमरे में बना लिया था। तो गाइस मैं वृंदावन गई एक दिन, वहाँ पे एक भैया ने मुझे रोका जो दुकान वाला था, तो ठाकुर जी का फूल बंगला रखा हुआ था। एक्चुअली गाइस इस तरीके के फूल बंगले आते हैं ठाकुर जी के, मैं आपको वृंदावन गई तो ज़रूर दिखाऊंगी। ऐसे करके ना डोर सा होता है, उसे ऐसे ठाकुर जी के ऊपर रख दो, मतलब पीछे रख दो, और उसे डेकोरेट कर दो फूलों से, तो वो फूल बंगला कहा जाता है। तो वो बोलने लगे बड़े प्यार से कि दीदी और आप इन्हें ना लेके जाओ, ये फूल बंगला लेके जाओ, आप बहुत अच्छा लगेगा आपके घर में। तो पता नहीं क्यों मेरे मुँह से एकदम से ये बात निकली कि भाई मेरे पास अभी देखो जगह नहीं है इनको रखने की, ना ठाकुर जी को ले जाके स्थापित करने की, जिस दिन मेरा अपना घर हो जाएगा उस दिन मैं ज़रूर ठाकुर जी को वृंदावन से लेके जाऊंगी। तो उन भाई ने बोला दीदी आपके मुंह से निकला है ना, अब आप बहुत जल्दी ही आओगे और ठाकुर जी को लेके जाओगे और अपना आपका अपना घर हो जाएगा। मैं कहा देखो जैसी इनकी कृपा, उनकी कृपा के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। गाइस उसी एक साल के अंदर अंदर मेरी भगवती माँ ने और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि एक साल के अंदर अंदर अपना घर हो गया, और भगवान की दुआ से 3 रूम हो गए। तो एक रूम मैंने सेपरेट मंदिर का बना दिया, मैंने कहा अब मेरे ठाकुर जी आ सकते हैं, तो मैं प्रॉमिस करके आई थी गाइस। तो फिर मैं अपने छोटे बाबू के बर्थडे वाले दिन ठाकुर जी को वृंदावन से हम लेके आए, और अब मेरे ठाकुर जी का बर्थडे आने वाला है गाइस, क्योंकि मैं अक्टूबर में उन्हें लेके आई थी, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एंड समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करना है, ऐसा लग रहा है ये भी कर वो भी कर, सफाई कर पेंट कर सजा ये वो, मंदिर में ये लगा वो लगा, ऐसे डेकोरेट कर। तो बस गाइज मैं बहुत ज़्यादा पागल हो गई हूँ, बस ऐसा लग रहा है ठाकुर जी का बर्थडे बहुत अच्छे से करूँ। तो गाइज मुझे नहीं पता, ठाकुर जी बहुत बढ़िया कुछ करवाने वाले हैं, तो मज़ा ही आने वाला है गाइज। आप लोग भी प्रेयर करिएगा और इन्जॉय करिएगा मेरे ब्लॉग्स, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं गाइज। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए गाइज, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। बाय बाय, राधा राधे रानी की जय हो, ठाकुर जी की जय हो, मेरी कालका माई की जय हो, राधे राधे।